गुड इवनिंग क्लास, एक्सिस आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आ चुका है, किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये तो देखने का विषय है। स्पष्ट बहुमत किसी के पास नहीं है। अब इस हालात में ज़्यादातर तो यही लग रहा है कि एनडीए अलायंस सरकार बनाएगा, क्योंकि भाजपा को तो बहुमत नहीं मिला है, लेकिन एनडीए अलायंस को बहुमत के ऊपर है, लगभग 290 सीट के आसपास। लेकिन हमारा जो मेन बिंदु है, सरकार कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है, इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा या नुकसान होने वाला नहीं होता है। ठीक है, हमें हम एज ए स्टूडेंट देखें तो हमें पॉलिसीज़ के विषय में सोचना पड़ता है, कौन सी पार्टी किस प्रकार की पॉलिसीज़ का निर्माण करेगी। लोकसभा चुनाव के बारे में क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाएंगे इस बार, संभवतः प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, तो उसकी तैयारी आप पहले से करके रखना। कौन सरकार बनाएगा, सरकार बनाने के नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन, राष्ट्रपति कैसे शपथ दिलाएगा, ये सारी चीज़ें अभी तय हो जाएंगी। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी एनसीईआरटी ज्योग्राफी नव निर्माण सीरीज 2024-25, भू आकृतियाँ और उनका विकास। इसके पहले आप वाले क्लास में हमने भू आकृति के बारे में जाना था, अपरदन निक्षेपण है ना, ये सब कैसे घटते हैं, ताप दाप सांद्रता वगैरह का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक लंबे समय तक जलवायु कैसे, मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है ना, जैविक मृदा का निर्माण कैसे होता है, ये सब हम देख चुके हैं। आज हम उसी अध्याय में आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 6, भू आकृतियाँ और उनका विकास। पृथ्वी के धरातल पर निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृति कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद, तरंग अपरदन करते हैं। ठीक है, एक तो अपक्षय की प्रक्रिया होती है, फिर इसके द्वारा अपरदन करते हैं। आप यह जानते ही हैं कि अपरदन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है, निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन की प्रक्रिया का परिणाम है, यानी चाहे अपक्षय हो, अपरदन हो या निक्षेपण हो, ये सभी किसी न किसी रूप में भू आकृति को क्या करते हैं, बदलते हैं, और ये सब एक दूसरे के माध्यम से ही घटित होते हैं। धरातलीय स्वरूप में इनके कारण परिवर्तन आता है। अब चूंकि भू आकृतियों उनके विकास से संबंधित है, तो पहले भू आकृति क्या है इसके बारे में जानेंगे। बहुत सी संदिग्ध संबंधित भू आकृतियाँ मिलकर भू दृश्य बनाते हैं, जो भूतल के विस्तृत भाग हैं। क्या कहा गया है, बहुत सी संबंधित भू आकृतियाँ यानी समान आकृति आकार वाली भू आकृतियाँ मिलकर भू दृश्य का निर्माण करती हैं जिसपे हम रहते हैं। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति आकार और पदार्थ होते हैं। जैसे अगर काली मिट्टी की बात करें, लाल मिट्टी की बात करें, या बांगर खदा है ना, इनकी बात करें तो अलग प्रकार इनका अपना भौतिक गुण है, संगठन है, आकृति है, आकार है, जो कि कुछ भू प्रक्रियाएं उनके कारकों द्वारा निर्मित हैं। अधिकतर भू आकृत प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं, इसके कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। ओके, एक इनकी बात नहीं है, काफ़ी लंबा समय, ये एक लंबी सतत प्रक्रिया है। प्रत्येक भू आकृति का प्रारंभ होता है, एक प्रारंभ होता है, एक बार बनने के बाद उसके आकार आकृति और प्रकृति में बदलाव आता है। चेंज तो एकदम जगव्याप्त है, परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे इस बार लोकसभा चुनाव में जनता परिवर्तन के मूड में थी है ना, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बावजूद अयोध्या के लोग गद्दारी कर गए भाजपा से, तो ये घटनाएं होती हैं। और भारत में देखो, डेवलपमेंट हो या कुछ भी हो, धर्म और जाति बड़ा रोल अदा करते हैं, इस चुनाव ने साबित कर दिया। ठीक है, कुछ पार्टियां हैं जो परिवारवाद की परंपरा को लेकर के चलती हैं और उनके अच्छे रिजल्ट आए है ना, और जबकि क्या नहीं किया उन्होंने प्रदेश में, लूट घसूट करप्शन महा करप्शन सब कुछ करके बैठे हैं। तो अगर कोई कहे, मुझसे अगर कोई आकर कहे कि भारत में डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव बहुत होता है, ज़्यादातर वो डेवलपमेंट के नाम पड़ते हैं, तो मैं उसको गिरा दूंगा मारते मारते है ना। मैं सीधे ये कहूँगा कि धर्म और जाति बहुत अहम रोल अदा करती है भारतीय राजनीति में, और भारतीय नहीं, वैश्विक विश्व में जहाँ जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ जहाँ ये संसदीय स्वरूप है, अध्यक्षात्मक स्वरूप है, जहाँ पर इलेक्शन प्रक्रियाएँ होती हैं, वहाँ पर ये धर्म और जाति बड़ा अहम रोल, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत अहम रोल अदा करती हैं, इनमें कोई दो राय नहीं। ओके, बात समझ में आई। जहाँ जहाँ भी ये सब चीज़ें होती हैं तो वहाँ ये सब आम बातें हैं। जलवायु संबंधी बदलाव, वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृत प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं से ये प्रक्रियाएँ स्वयं परिवर्तित होती हैं। मतलब इनके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि कुछ विशेष प्रकार का हो, ये कभी कभी अपने आप भी बदलने लगती हैं।
जिनसे ये भूआकृतियां रूपांतरित होती हैं, जिनका या विकास का यहाँ अर्थ भूतल के एक भाग के रूप में या एक भाग में एक भूआकृति का दूसरी भूआकृति में या एक भूआकृति का दूसरे में परिवर्तित होता रहता है। अब मान लिया अग्नेय चट्टान रूपांतरित चट्टान में कन्वर्ट हो गई, रूपांतरित अवसादी में हो गई, या अग्नेय से अवसादी बन गई, अवसादी से रूपांतरित, इस तरह कन्वर्टेशन चलता रहता है। ओके, तो भूआकृतियाँ बदलती रहती हैं। प्रवाहित जल आर्द्र प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, जल सबसे महत्वपूर्ण भूआकृति कारक है। ओके, ये क्या करता है, जलाकृति भूआकृति के निर्माण में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। जो धरातल का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, प्रवाहित जल के दो तत्व हैं, एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है, दूसरा रैखिक प्रवाह है जो घाटियों में नदियों सरिताओं के रूप में बहता है। एक तो जो धरातल पर परत के रूप में फैला है वो उसका उसकी तो बात अलग हो गई, लेकिन जो दूसरा रैखिक प्रवाह है ये क्या करता है, ये धरातल का निम्नीकरण बहुत ज़्यादा करता है। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपर्दित स्थलारूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक व्यवस्था से संबंधित है। वर्तमान की जो भी युवावस्था वाली नदियां हैं उनकी आक्रामकता से क्या करता है, ये अपर्दित स्थल रूप के रूप में तैयार होता है। जैसे गंगा यमुना का मैदान बांगर खादर में जिसको हम डिवाइड करते हैं, कालांतर में तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं। एक टाइम बाद जो तेज ढाल होती है ना वो मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं, फलस्वरूप नदियों का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भूआकृतियां बनाती हैं, लेकिन ये नदियों के माध्यम से धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होती हैं। मतलब चाहे तेज ढाल वाली नदी हो या धीमे ढाल वाली नदी हो, दोनों आकृतियों का निर्माण करती हैं कुछ स्तर तक। अपेक्षाकृत धीमे ढाल वाली नदी बड़े क्षेत्र का निर्माण करती है, जैसे गंगा को देख लो, प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना अधिक निक्षेपण होता है। जब लगातार अपर्दन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटान कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पहाड़ियां घाटियां समतल मैदानों में बदल जाती हैं। बात समझ में आ गई। स्थलगत प्रवाह ओवरलैंड फ्लो, जब परत अपर्दन का यह परत अपर्दन का कारण है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण या विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। जैसे आपने नर्मदा ताप्ती को देखा है, छोटी छोटी संकीर्ण पट्टियों से निकल करके जाती हैं, तो वो परत अपर्दन का उदाहरण है। प्रवाही जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहा कर लाए गए तलछटों की छोटी तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। मतलब छोटी छोटी नदियां सरिताएं बनती हैं, धाराएं बनती हैं, ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी और विस्तृत अवनलिका में विकसित हो जाती हैं। ये अवनलिका कालांतर में अधिक गहरी चौड़ी लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में क्या होती हैं, समाहित होकर घाटियों का जाल बना लेती हैं। इन्हें नदी घाटियां बोलते हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव होता है, अधिक होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात, सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, मध्यावस्था में सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करती है और घाटियों में पार्श्व पर्दन अधिक होता है। पार्श्व मतलब सीधा पर्दन कम होता है, अधिक होता है। कालांतर में घाटियों के किनारे ढाल मंद होती है, इस प्रकार अफवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब ये पूर्ण समतल हो जाती हैं। जब तक पूर्णता समतल नहीं हो जाते, अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण करती हैं। यत्र तत्र अवरोधी चट्टाने अवशेष दिखाई देते हैं, जैसे मोनाडो डोक्स कहते हैं, है ना। तो इस तरह के मैदानी भाग, है ना, पेनी प्लेन जिनको बोलते हैं, ये मिल जाएंगे। युवावस्था में क्या होता है, इस अवस्था में नदियों की बहुत संख्या बहुत कम होती है। ये नदियाँ उथली यानी वी आकार की घाटी बनाती हैं। ठीक है, एक बड़ी वो निकल के एक गाड़ टाइप में बना देंगी और बाढ़ का मैदान लगभग अनुपस्थित या सकरे बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत चौड़े समतल होते हैं, दलदल झीलें होती हैं, ऊंचे समतल दलाल पर नदी विसर्प करती है। जैसे गंगा देखो ऊपर से सीधे चली जाती है, फिर मैदानी भागों में विसर्प करती है, जिगजैग मोशन बनाती है। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातल में अभिभूत हो जाते हैं, अर्थात विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और गहराई में बढ़ते जाते हैं और वहाँ अनावरित कठोर चट्टाने पाई जाती हैं जो जलप्रपात या छिपकाएँ हो जाती हैं। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, घाटियाँ तो वी आकार की ही होती हैं, बस गहरी होती हैं। मुख्य नदी व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती है।
व्यवस्था में निर्मित समतल विस्तृत अंतर नदीय दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक स्पष्ट हो जाते हैं, जलप्रपात और क्षिप्रिकाएं भी लुप्त हो जाती हैं। ये प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में क्या होता है, भूदृश्य समतल के बराबर थोड़े थोड़े ऊंचे हो जाते हैं, विभाजक विस्तृत समतल झील दलदल पाए जाते हैं यहाँ पर, ये जैसे नवीन है ना, थोड़ा बहुत अंतर के साथ गोकुर झील प्राकृतिक दरबंध वगैरह बन जाते हैं। अपर्दित स्थल रूप घाटियां प्रारंभ, घाटियों का प्रारंभ तंग और छोटी छोटी छिद्र तलताओं से होता है, धीरे धीरे ये लंबी होती है और विस्तृत अवनलिकाओं में विस्तृत हो जाती हैं। ये अवनलिकाएं धीरे धीरे गहरी होती जाती हैं, चौड़ी और लंबी होकर घाटियों का रूप धारण कर लेती हैं। अब देखो धर्मपुरी तमिलनाडु के समीप गार्ज कावेरी नदी घाटी है ये। अब देखो कभी मान लिया यहाँ से नदी या पानी निकलना स्टार्ट हुआ होगा, धीरे धीरे गहरी होती हुई कहाँ आ गई, देखो एकदम जमीन पे आ गई। उसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो का जो पठार है ना, गभीरी भूत विसर्प लूप जो घाटी के क्षेत्र में कैनियन जैसे सोपान दृश्य पार्श्वी ढाल दर्शाता है। देखो ऐसे ऐसे धीरे जाती गई, यहाँ गिरता रहा और ये कटकट के पानी इधर और उधर निकलता रहा, तो ये क्या है, ये घाटी टाइप में बन गई, गहरी घाटियां पाई जाती हैं। तो इस तरह घाटियों का निर्माण होता है ना, ये घाटी है। लंबाई चौड़ाई आकृति के आधार पर ये घाटियां देखो वी आकार की हो सकती हैं ना, गार्ज हो सकता है, कैनियन बना सकती हैं, ठीक है। अभी हम बताते जाएंगे कौन सी गार्ज है कौन सी वो है। गार्ज एक गहरी सकरी पट्टी है जैसे ये, जिनके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं, कैनियन एक कैनियन के किनारे पर भी खड़ी ढाल वाले होते हैं, यह भी गार्ज की ही भांति गहरी होती है, जैसे 6.1 ये 6.2 और 6.3 देख लो, ये देखो ये क्या है, जलोढ़ मार्ग है 6.4 है ये, अरे 6.5 है, अब ये 6.3 के रूप में है, ठीक है, बात समझ में आई। गार्ज की चौड़ाई इसके तल और ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। देखो गार्ज का एक सिस्टम है, ऊपरी तल बराबर है और निचला तल बराबर है, लेकिन कैनियन में ऐसा नहीं होता। इसके उपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है, ऐसे हो जाता है ऐसे, और जब एकदम ऐसे हो गया तो वी आकार की घाटी बन गई। वास्तव में कैनियन गार्ज का ही दूसरा रूप है, चट्टानों के प्रकार संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है ना। कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाते हैं, कैसे होता है, गाज कठोर चट्टानों में बनते हैं, सिंपल सा है। जलगर्थिका या अवनमित कुंड, पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपर्दित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्त में फंसकर वृत्ताकार रूप से घूमते जाते हैं, जिन्हें जलगर्थिका कहते हैं। क्या होता है, मान लिया छोटे छोटे कर टूट टूट के आ गए, अब वो क्या करेंगे, जल के सहारे जहां मान लिया जल नीचे की तरफ आ रहा होगा उसी के आसपास क्या चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। एक बार छोटे और उथले गर्तों के बन जाने से कंकड़ पत्थर गोलाश्विन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं, प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है, वो धीरे धीरे पत्थर इकट्ठे होते जाते हैं, गर्त बढ़ता बड़ा होता जाता है और फिर आपस में मिल जाते हैं। कालांतर में नदी घटी गहरी होती जाती है, जलप्रपात के तल में भी एक गहरे और बड़े जलगर्तिका का निर्माण होता है। जल की ऊंचाई से गिरने व उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं, ठीक है। जलगर्थिका का निर्माण होता है जो जल के ऊंचाई से गिरने पर होता है या तो, या शिलाखंडों का वृत्ताकार पथ पर घूमने पर होता है। जलप्रपातों के तल में एक विशाल गहरे कुंड या अवनमित कुंड पाए कहलाते हैं, इनको प्लंग पूल कहते हैं। अधाकर्तित यह विसर्प या गहरी भूत विसर्प, ये वाला तीव्र ढाल में तीव्रता से बहती हुई नदियां सामान्यतः नदी तल पर अपर्दन करती हैं। अब तीव्र ढालों में भी क्या होता है, पार्श्व अपर्दन अधिक नहीं होता, पार्श्व मतलब खड़ा, वो धीरे धीरे पानी जाएगा ना ढाल के सहारे, लेकिन मंद ढालों पर नदियां पार्श्व अपर्दन करती हैं, सीधा करती हैं। क्षैतिज अपर्दन के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां वक्रित होकर बहती हैं गोल गोल ऐसे ऐसे, है ना। इसे अधगर्तिका विसर्प या गभीर भूत विसर्प कहा जाता है। नदी वेदिकाएं क्या है, ये हैं युग्मित वेदिकाएं हैं और ये अयुग्मित वेदिकाएं हैं अलग अलग जगह पर। प्रारंभिक बाढ़ के मैदानों पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं ये। जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं जो निक्षेपित जलोढ़ नदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं, जहां पर निक्षेप होके जाता है तल बनते चले जाते हैं।
है ना, लंबवत अपरदन निर्मित होता है या ऊंचाइयों पर कई प्रकार से वो युग्मित हो जाते हैं। उसके बाद जलोढ़ पंखु क्या है ना, देखो युग्मित आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं। नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हों तो स्थल रूप को युग्मित वेदिकाएं कहते हैं। अयुग्मित क्या होता है, जब दोनों बराबर समान ऊंचाई पर नहीं होती। जब नदी उच्च स्थलों से बहते हुए गिरिपाद या मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। साधारणतया पर्वतीय क्षेत्र में बहने वाली नदियां भारी और स्थूल आकार में नद्य भार को वहन करती हैं। मंद ढालों पर नदियों का भार वहन करने में क्या हो जाता है, असमर्थ होती हैं, तो यह शंख के आकार में निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। जो नदियां जलोढ़ पंखों से बहती प्रायः अपने वास्तविक वाह मार्ग का बहुत दूर तक नहीं बहती बल्कि अपना मार्ग बदल लेती हैं और कई शाखाओं में बट जाती हैं, इनके जल वितरिकाएं कहते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से होता है। वो चट्टानी पर, चट्टान पर डेल्टा क्या है, एक ऐसी आकृति जहाँ पर एक कोई नदी जैसे गंगा नदी बह के आई तो बंगाल की खाड़ी में वो इतनी अपने साथ इतना अपरदन लेके आती है कि वो एक निर्माण कर देती है। ऐसे करके इधर से धारा निकल गई, इधर से धारा निकल गई, कुछ भी इससे निकल गई तो ये मैदान का निर्माण होता है। बहाकर लाई गई मिट्टी को यहाँ इकट्ठा कर देता है। अगर ये इधर का एक हिस्सा थोड़ा उथला भाग होता है, बात समझ में आई। यह बाहर समुद्र में बहुत दूर तक नहीं ले गया गया हो तो यह तट के साथ शंख के रूप में एक साथ फैल जाता है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा निक्षेप व्यवस्थित होता है, इनका जलोढ़ स्तरित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट और बारीक कण जैसे चीका मिट्टी गाद आदि सागर से दूर जमा हो जाते हैं। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है नदी वितरिकाओं की लंबाई भी बढ़ती जाती है, डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। जैसे सुंदरबन का डेल्टा देख लो, बाढ़ प्राकृतिक तटबंध या विसर्प रोधिका, जिस प्रकार अपरदन से घाटियां बनती हैं उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। जब ज्यादा निक्षेपण होगा तो बाढ़ का मैदान बन जाएगा। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप हैं। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। इसी प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत, चीका, मिट्टी, गाद, अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जलधाराओं में मिलते जाते हैं। जब बाढ़ आने पर पानी तटों में फैलता है तो ये क्या करते हैं, उस तल में जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो नदी निक्षेप में बने तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। ये तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहा जाता है। तलों से ऊंचाई पर बने तटों को, ठीक है, असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर ऊंचाई पर होते हैं, मुख्य प्रकार के निक्षेप जैसे बाढ़ निक्षेप या सरिता निक्षेप या नदी निक्षेप, ठीक है, प्लेशर बोल सकते हैं उनको। मैदानी भागों में नदियां प्रायः क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती हैं, कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे भर जाता है। बाढ़ मैदानों के क्षेत्र जहां नदियां कटे और छूते भाग हैं, स्थूल पदार्थों के जमाव होता है यहां, और जमाव बाढ़ के पानी को फैलने से बनते हैं। ठीक है, बाढ़ का पानी जहां जहां फैलेगा उसके साथ मिट्टी पे लाएगा। अब जैसे विसर्प रोधिकाएं क्या होती है, ये वाली मलिया नदी की धारा ये बन गई विसर्प रोधिका, ये विसर्प रोधिका बन जाती है, ऊपर पानी को टेक दिया और इधर ढाल बन गई। ये हैं बाढ़कार मैदान जैसे बांगर और खादर, ये प्राकृतिक तटबंध बन जाते हैं इसके दोनों किनारों को, जिससे रोक लिया जाता है। जब नहरें वगैरह खुदाई होती है तो प्राकृतिक तटबंध बनाए जाते हैं, नदियां वगैरह में तो प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, है ना। नीचे क्या कहा गया है ना, तो गाद आदि होते हैं वो बाढ़ के मैदान जो डेल्टा बनाते हैं। जैसे डेल्टा वो भी बाढ़ के मैदानों के माध्यम से ही तो बनता है, गंगा यमुना का मैदान वो भी बाढ़ के माध्यम से बना हुआ मैदान है। प्राकृतिक तटबंध या विसर्पी रोधिका जैसे महत्वपूर्ण स्थल रूप है जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित है। जब बड़ी नदियों के किनारे ये पाए जाते हैं प्राकृतिक तटबंध, ये तटबंध नदियों के पार्श्व में स्थूल पदार्थों के रैखिक और निम्न समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे जो कई स्थानों पर कटे होते हैं, नदी रोधिकाएं या विसर्पी रोधिकाएं बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाए जाते हैं। प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों से किनारों पर निक्षेपण के कारण बनी होती हैं। ये मिश्रित का ये औषाद वगैरह में मिश्रित आकार की होती हैं। नदी विसर्प, विसर्प तो पता ही है, विस्तृत बाढ़ या डेल्टा मैदानों में नदियां शायद सीधे मार्गों में बहती होंगी। कोई नदी सीधे मार्ग में नहीं बनती, ये क्या जिगजैग मोशन में जाती है, लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें विसर्प कहा जाता है, इस टाइप के है ना। विसर्प एक स्थल रूप न होकर एक प्रकार का
एक प्रकार ना होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। नदी विसर्ग निर्मित होने के कारण निम्नलिखित है, जैसे मंद ढाल पर बहते हुए जल में तटों पर क्षैतिज पार्श्विक कटाव के की प्रकट होना। मान लिया मंद ढाल से बह रही है और इधर कटाव है तो ये विसर्ग का निर्माण करेगी, पानी वगैरह भर जाएगा। जलोढ़ तटों पर जलोढ़ या अनियमित या असंगठित जमाव के कारण जल के दबाव का नदी पार्श्व बढ़ना वैसे बढ़ जाता है। क्वारलिसिस बल वायु प्रवाह विक्षेपित होता है उसके कारण बढ़ जाता है। चैनल की ढाल प्रवाहता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है, पार्श्व का कटाव अधिक होता है, नदी तटों और थोड़ी सी अमितताएँ भी धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, वही क्या है विसर्ग कहलाता है। यह मोड़ नदी के अंदरूनी भाग में जलोढ़ जमाव के कारण गहरे हो जाते हैं, बाहरी किनारा अपर्दित होता रहता है। अगर अपर्दन निक्षेपण निम्न कटाव ना हो तो विसर्ग की प्रवृत्ति कम होती है। ये सारी चीजें होने से ही विसर्ग ज्यादा होता है, ठीक है। ये अधोमुखी हो सकते हैं और अधोपतन भी। अब देखो मुजफ्फरपुर के विसर्ग की बूढ़ी गंडक नदी दर्शाने वाला उपग्रह से लिया गया क्षेत्र, छाणन झीलें दिखाई दे रहे हैं, ये वाली छोटी छोटी देख रहे हो, ये विसर्ग के रूप में स्थापित हो जाते हैं, ये देखो। ओके, कटन छटन के मारन होता है, कटाई वगैरह। स्कंद ढाल तट विसर्ग विरोधिका, अंतरंग बिंदु विसर्ग विरोधिका, छाणन झील ऐसे बन जाती है, ये देखो यहाँ से कभी बह रही होगी ऐसे घूम के, फिर धीरे धीरे तटबंध बन गए, ये क्या हुई, ये इतनी रह गई। स्कंद तट वाला ढाल छोड़ के आगे बढ़ जाती है, ये नई नदियां ज्यादा करती हैं जो बहुत भयंकर रूप से बहती हैं, तीव्र ककार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ये ऐसे गोखुर झील बन जाते हैं। गोखुर झील पता है अंदरूनी भागों पर अपर्दन के कारण कट जाते हैं गहरे छल्ले टाइम में, तो गोखुर झील बन जाता है। होमजल ग्राउंड वाटर ये एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है, ठीक है। भौम जल का अपर्दन के कारक के रूप में और उसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों के वर्णन किया गया है। चट्टाने पारगम में कम सघन अत्यधिक जोड़ों संधियों दरारों वाली हैं, तो धरातलीय जल का अंतःश्रवण आसानी से होता है, यानी पानी अंदर आसानी से चला जाता है। लंबवत गहराई पर पाए जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों छिद्रों संलग्न स्थल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करता है। ओके, उन्हीं चट्टानों से निकलकर क्षैतिज अवस्था में बहना स्टार्ट कर देता है। और दो चीजें हैं, देखो अगर सीधी बात होगी सीधे सीधे बना होगा तो वो जा करके किसी उसमें मिल जाएगा, है ना। लेकिन चट्टानी संस्तर पाए जाते हैं, उन्हीं के नीचे क्या होता है जल भरा हुआ ऐसे होता रहता होगा। मान लिया कुंड है, इसमें भरा हुआ है मीठे पानी का जल, पाइप डाला निकालना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी हो सकता है। भौम जल में पदार्थों के परिवहन द्वारा बने स्थल रूप महत्वहीन है, उनका कोई मतलब नहीं बनता, इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है। धरातलीय भौम जल रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा घोलीकरण या अवशेषण ये भी हो सकता है, विकसित करते हैं दो प्रक्रियाएं, घोलीकरण और अवक्षेपण, या तो चूना पत्थर या डोमोलाइट चट्टानों से अलग हो या अन्य चट्टानों के साथ अंतर संसलित हो जाए। किसी भी चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन डोलोमाइट क्षेत्र में भौम जल द्वारा गुलन प्रक्रिया उसके निक्षेपण की प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। एडियाट्रिक सागर वगैरह इसी की तरह से बना हुआ है, बात समझ में आई ना। अपर्दित स्थल रूप कुंड गोलरंध्र लैपीज और चूना पत्थर चबूतरे ये सब क्या है, ये भी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इनका निर्माण इनके बारे में पढ़ लेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कुंड गोलरंध्र लैपीज चूना पत्थर चबूतरे, चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे मध्यम आकार के छोटे गोल गर्तों का निर्माण होता है। जब चूना पत्थर की चट्टानों का जो तल है ना, घुलन क्रिया होती है वहां और छोटे मध्यम आकार के गोल गर्तों का निर्माण होता है, जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र या शैलो होल्स कहते हैं। गोल रंध्र क्रस्ट क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं, क्रस्ट में सर्वाधिक मिलेंगे, मेंटल में थोड़ी मिलेंगे ज्यादा। एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार नीचे कीप जैसी आकृति के होते हैं, ऊपर तो वृत्ताकार होंगे और नीचे ऐसे होंगे कीप जैसी आकृति में। उनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है। इनमें कुछ का निर्माण अकेले घुलन प्रक्रिया द्वारा होता है, कुछ अन्य घुलन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। अगर इन घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो ये बड़े छिद्र या ध्वस्त या
निपात रंध्र, ओलैप स्किन्स बन जाते हैं। मान लिया ये विलियन रंध्र हैं, ऐसे हैं, ये गुफा स्तंभ वगैरह बन जाते हैं, देख लो ये सब स्टेलेमाइट गुफा, घोल रंध्र, निपाती रंध्र, ये देखो कितने सिंपल से उसमें बताया गया है। तो ऐसे ये बने होते हैं, ये देखो घोल रंध्र बने हुए हैं, ऊपर देखो कैसे हैं चौड़े हैं, नीचे कीप की आकृति में पतला है। निपाती रंध्र देख लो गुफा के टाइप में होते हैं, है ना, और घोल रंध्र ऊपर देख लो सब अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं। अधिकतर घोल रंध्र ऊपर अपादित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं, उथले जलकुंड जैसे प्रतीत होते हैं, ये जलकुंड बन जाते हैं। ध्वस्त घोल रंध्रों को डोलाइन ये कहा जाता है, जो ध्वस्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिनकी छतें गिर जाती हैं, अपेक्षा घोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? धूल रंध्र, ठीक है। सामान्यतः धरातलीय प्रवाहित जल घोल रंध्र रंध्रों विलियन रंध्रों से गुजरता हुआ अंतर्भौम नदी के रूप में विलीन हो जाता है। देखो होता यह है, जैसे बारिश हुई इन जगहों पर, तो ये घोल रंध्रों के माध्यम से जमीन में आराम से पानी चला जाता है, फिर कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा से भूमिगत नदी के रूप में बाहर निकल आता है ना, और इससे क्या हो जाता है, स्वच्छ भी हो जाता है। जब घोल रंध्र डोलाइन इन कंदराओं की छत गिरने या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं, तो लंबी तंग और विस्तृत खाइयां बनती हैं, जिन्हें घाटी रंध्र या युवाला कहते हैं। धीरे धीरे चूनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों और खाइयों के हवाले हो जाते हैं, ये सब गिरते हुए चली जाते हैं। पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले नुकीले कटक आदि रह जाते हैं, जिन्हें लेपीज कहा जाता है। इन कटकों में लेपीज का निर्माण चट्टानों की संधियों के भिन्न घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कभी कभी लेपीज के ये विस्तृत क्षेत्र समतल चूनायुक्त चबूतरों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मेन है घोल रंध्र, जब टूटता है तो ये देखो चबूतरे के रूप में परिवर्तित हो जाता है ना, ये गुफा बन गया, ये स्तंभ बन गया, ये गुफा, ये स्टेलेक्टाइट स्लेगमाइट, है ना, ऐसे बन जाते हैं घोल रंध्र, निपाती रंध्र, घाटी सिक्का या यू वाला। बात समझ में आई? अब ये देख लो चूना पत्थर गुफा में स्टेक्टाइट और स्लेगमेमाइट इस तरह बने होते हैं। कंदराएं क्या होती हैं? केव्स, केव्स जो वगैरह तो जानते हो, गुफा है ना, आपने देखा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, इन साम्राज्यों के जो प्रमुख सम्राट रहे हैं, इन्होंने क्या किया, चट्टानों को कटवा करके कंदराओं या विहारों का निर्माण कराया। ये ज्यादातर सैल बालू और पत्थर क्वार्ट्जाइट है ना के एकांतर संस्तर होते हैं। इनके बीच अगर चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टाने हों तो, या सघन चूना पत्थर चट्टाने के संस्तर हों, तो वहां प्रमुखतया कंदराओं का निर्माण हो ही जाता है। टूटती फूटती रहती है ना, इस तरह से निर्माण होता जाता है। पानी दरारों संधियों से रिसकर सैल क्षैतिज अवस्था में बहता हुआ है। इसी तल संस्तर के सारे चूना चट्टाने घुलती हैं और लंबे और तंग विस्तृत क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें कंदराएं कहते हैं। मान लिया यहाँ चूना पत्थर के विशाल स्तंभ रहे होंगे, पानी वगैरह या रिस रिस के जाने लगा, तो धीरे धीरे चूना पत्थर भी रिसने लगा, तो यहाँ क्या हुआ, ये कंदराओं का निर्माण हो गया। कभी कभी विभिन्न स्तरों पर कंदराओं का एक जाल सा बन जाता है, जो चूना पत्थर चट्टानों के तल या उसके बीच संस्तरित चट्टानों पर निर्भर करता है। प्रायः कंदराओं का मुख खुला होता है, जिसमें कंदराएं सरिता बाहर निकलती हैं। ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हों, उन्हें सुरंग कहा जाता है, टनल। टनल वगैरह ये तो सब आम बातें हैं, जानते ही हों। जो देखो सिंपल सा, विहार मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, कंदराएं क्या हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कार्बनयुक्त जल यानी वर्षा के जल में हुआ कार्बन शीघ्रता से घुल जाता है। वर्षा के जल में कार्बन होता है ना, तो कार्बन युक्त जो जल है ना, वो क्या करता है, इनमें घुल जाता है। जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है, या जब चट्टानों की छत से जल वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानी धरातल से टपकने से निक्षेपण हो जाता है, टपकन पद्धति। अब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट और स्तंभ, ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बता देता हूँ। विभिन्न मोटाइयों पर लटकते हुए हिम स्तंभ होते हैं, प्रायः ये आधार या कंदरा छत के पास मोटे होते हैं, अंत के छोर में पतले होते जाते हैं। ये अनेक आकारों में दिखाई होता है, इनका कोई निश्चित आकार या भार नहीं होता। कंदराओं के फर्श के ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं।
वास्तव में इसलिए मैं कंदराओं छत के धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं या स्ट्रिकलाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। ये दोनों एक साथ बनते हैं। चपटी यह एक चपटी तस्तरी नुमा आकार वाली आकृति होती है। ऊपर आपने मैप देखा ही है, ये देख लो स्तंभ है, ठीक है। और ये क्या है, स्लैग्मेमाइट है। और ये क्या है, ऊपर की तरफ से ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे और ये खंभे स्तंभ बन जाएगा, ठीक है। तो स्लैग्मेमाइट और स्टेलिकमाइट, ये दोनों क्या है, आपस में मिलकर के स्तंभ का निर्माण करते हैं। ओके, हिमनद क्या है, पृथ्वी की परत पर हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों घाटियों में रेखीय प्रवाह के रूप में हिम सन्नत को हिमनद कहते हैं, यानी हिम इकट्ठा होना फिर धीरे धीरे न्यूट्राइज होकर के जल के रूप में बाहर निकलना या नदी बन जाना या गर्त बन जाना या झील का निर्माण हो जाना, हिमनद बोलते हैं उसको। महाद्वीपीय हिमनद या गिरपद हिमनद वे हिमनद हैं जो बृहद समतल क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले हैं। जैसे महाद्वीप उत्तरी अक्षांश 0 डिग्री और नीचे उत्तरी 90 डिग्री और नीचे दक्षिणी 90 डिग्री से 85 डिग्री 80 से 90 डिग्री के आसपास क्षेत्र में ये हिमनद पाए जाते हैं उत्तर की ओर, है ना। आर्कटिक अंटार्कटिक इसी के तहत आते हैं। हमारे यहाँ हिमालय लद्दाख वगैरह में देख लो हिमनद पाए जाते हैं। तो यह तथा पर्वत या नदी घाटी हिमनद से भी क्या है, हिमनद जो पर्वतीय ढालों में बहते हुए गतिमान होते हैं, है ना, हिमनद कहलाते हैं। ये प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर से कम या मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं और ये गुरुत्व के कारण गतिमान होते हैं। ये हैं सारे हिमनद। ये सब क्या है, इधर उधर हो रहे हैं। हमारे देश में अनेक हिमनद हैं जो हिमालय पर्वतीय ढालों घाटों से बहते हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के उच्च प्रदेशों में कुछ स्थानों पर इन्हें देखा जा सकता है। भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ है, गंगोत्री हिमनद का अग्रभाग गोमुख है। वास्तव में अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी हिमनद से है। देवप्रयाग के निकट अलकनंदा भागीरथी से मिलने पर यहाँ से क्या हो जाती है, गंगा हो जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है, गंगा का नाम प्रसिद्ध हो जाता है। विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग वगैरह कमेंट बॉक्स में बताएं। हिमनदों में प्रबल अपरदन होता है जिसका कारण इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण, जैसे वो होता है ना, मूली अपने पत्तों से ही भारी होती है। जब आपसे कोई कहे कि यार भैया 50 रुपये दे दो, तुम बता दो कि भैया मूली अपने पतन भारी है, तुमको हम कहा दें, है ना। तो इस तरह से होता है। आगे क्या होगा, हिमनद द्वारा कर्षित चट्टानी पदार्थ जैसे पड़े बड़े गोलास, शैलखंड, इसके तल में इसके साथ घटी से घसीटे जाते हैं या घाटी के किनारे, इनका अपघर्षण घर्षण द्वारा अत्यधिक अपरदन होता है, रिले होता है। बात समझ में आई। अब रिले होगा तो क्या होगा, हिमनद अपक्षरे चट्टानों का भी प्रभावशाली अपरदन करते हैं जिससे ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ियां या मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, छोटा कर देते हैं रगड़ रगड़ के। हिमनद के लगातार संचालित होने से हिमनद मलवा हटता होता है, विभाजक नीचे हो जाता है, हटता जाता है और विभाजक नीचे होता जाता है। कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचलन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा निम्न पहाड़ियों अन्य स्थल क्या हिमाती द्रोत बन जाता है, धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है, बराबर हो जाता है और हिमनदी बन जाती है, ठीक है। ये कॉल है, सर्क है, ये रुंडित है, ये वाला क्षेत्र ये कॉल है, ये श्रृंग है सबसे ऊंची पॉइंट, ये ऊस है, ये नितंब घाटी है, ये हिमानी धौत मैदान है जो नदी द्वारा बहाकर लाया गया कूड़ा पत्थरों से मिलकर के बना, ये अंतिम हिमोड़ है जहां पर लास्ट में नदी आती है, ठीक है। अपर्दित स्थल रूप जैसे सर्क क्या है, हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों से सर्क में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं ये, ठीक है, छोटे आकार में होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आते हुए सर्क को काटती है क्या हिम, और लंबे चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली या सीधी अवतल हो जाती है, तो ये इनको तोड़ फोड़ देते हैं और इनसे टर्न झीलों का भी निर्माण होता है। इन झीलों को सर्क झील या टर्न झील कहते हैं जहाँ पानी वगैरह भर जाता है। सर्क सीढ़ी नुमा क्रम में भी दिखाई कभी कभी देते हैं। अब आता है हॉर्न या गिर श्रृंगी या सिरिटेड कोटक, ये देख सकते हो ये श्रृंग है। सर के शीर्ष पर अपरदन होने से हॉर्न मीन्स होता है ना सींग जैसे आकृति निर्मित हो जाती है।
या तीन या अधिक विकीर्ण हिमनद निरंतर शीर्ष पर अपरदन जारी रखें तब तक उनके तल आपस में मिल जाए तो तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण होता है जिसे हॉर्न कहते हैं। ठीक है, चोटी कहते हैं या सिंग बोल सकते हो। लगातार अपरदन से सरकों के दोनों तरफ दीवारें तंग हो जाती हैं और इसका आकार कंघी या आरी के समान हो जाता है जिन्हें उरत या तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इनका ऊपरी भाग नुकीला, बाहरी टेढ़ा मेढ़ा और कटकों पर चढ़ना असंभव होता है। बहुत पतली दुबली होते हैं, गिर पड़ोगे मर जाओगे। आल्प पर्वत सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है जो सर के शीर्ष अपरदन से निर्मित होती है। हिमनद घाटी या गर्त, अब हिमनद घाटी यू आकार के अक्षरों के समान होती है जिसके तल चौड़े, किनारे चिकने, तीव्र ढाल वाले होते हैं। भाई नदी इन्हीं से तो निकल के जाती है। मलबा बिखरा होता है, हिमोड़ मलबा दलदली रूप में होता है, दिखाई देता है, सब दलदली रूप में हो जाता है। झील भी ऊपरी होती है, ये झीलें घाटी में उपस्थित हिमोड़ मलबे से बनती हैं। एक तरफ दोनों तरफ ऊंचाई, लटकती घाटी जिसको बोलते हैं, इसी तरह नजर आता है। इसे फ्योर्ड कहते हैं, फ्योर्ड का मैदान भी होता है। निक्षेपित इच्छल रूप जो निक्षेपित होकर के बनते हैं, नुकीले होते हैं, बराबर कम से कम बराबर होते हैं, बर्फ पिघलने से सरताएं निकलती हैं, वो निक्षेपित होते चले जाते हैं। बात समझ में आ जाए। उसके बाद हिमोड़, हिम का ओढ़ाव या हिमनद टीला, गोलास्मी प्रतिका इसको बोलते हैं, जमाव की लंबी कटके होती हैं। अंतस्थ हिमोड़ या टर्मिनल मोरिनाइंस, हिमनद के अंतिम भाग मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटके होती हैं। ओके, और पार्श्विक हिमोड़ या अंतस्थ हिमोड़ से मिलकर घोड़े की नाल के आकृति में ऐसे बन जाता है। इसे ढाल मंद होती है अंतर मध्यस्थ और तलस्थ हिमोड़ के अंतर को अच्छे से पहचान सकते हो। एक पार्श्विक होती है, घोड़े के नाल के समान होती है। इश्कर, ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमालय के ऊपर प्रवाहित होता है। जब गर्मी चल रही इस समय हिम बड़ा पिघल रहा होगा, लद्दाख वगैरह घूमा हो जाके। इसके किनारों से रिश्ता है या बर्फ के छिद्र से नीचे प्रवाहित होता है। या तो इसके किनारे से निकलेगा या बर्फ के छिद्रों से प्रवाहित होता है। जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे धारा में प्रवाहित होता है। बर्फ ऊपर बह रही है और जल नीचे जा रहा है, वाले तल में प्रवाहित होती है। जलधारा अपने साथ बड़े गोलासम चट्टानी टुकड़े, छोटी चट्टानों का मलबा बहाकर ले जाती है। हिमनद के नीचे बर्फ की घाटी में जमा हो जाता है। ये पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं जिन्हें एस्कर कहा जाता है। देखो मिलाना नहीं, अलग अलग पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। ये देखो ड्रमलिन धौल हिमानी, हिमानी धौत, हिमानी धौत मैदान क्या होता है, आउटवास पेनिस में, हिमानी गिरपात के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी हिमोड़ निक्षेपों से बजरी, रेत, चीका मिट्टी, मृतिका, ये हिमानीकृत मैदान निर्मित हो जाते हैं। ड्रमलिन क्या है, मृतिका के अंडाकार समतल कटक नुमा स्थल रूप है जो रेत और बजरी के ढेर होते हैं। हवा के माध्यम से अपक्षय प्रदान होता है तब ये बन जाते हैं। ड्रमलिन एक के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर होते हैं, कुछ किलोमीटर लंबे या 30 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं, है ना। एक भाग ट्रेल होता है, एक भाग आगे बनता है, स्टॉस और ट्रेल। तरंग धाराएं, ये भी आपको पता है सर्वाधिक क्रियाशील है, ये इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी होती है। क्या आप नहीं सोचते तटीय प्रक्रियाओं उनसे निर्मित स्थल रूपों को जानना अति महत्वपूर्ण है? बिल्कुल भैया, बताओगे तो जानेंगे ना। तट पर कुछ परिवर्तन बहुत शीघ्रता से होते हैं। एक ही स्थान पर एक मौसम में अपरदन और दूसरे मौसम में निक्षेपण हो सकता है। तटों के किनारों पर अधिकतर परिवर्तन तरंगों के द्वारा होता है। तरंगें आती हैं, सागर तट को घटाती बढ़ाती रहती हैं, स्थूल कणों को वापस ले जाती हैं। ये तरंगों का ही काम होता है। आवागमन होता है, तल चट पर अत्यधिक दबाव डालता है। इसके साथ ही सागरीय तल पर तलछटों का दोलन भी होता है। तरंगों का आवागमन प्रवाह, ये सुनामी, है ना, इस तरह से परिवर्तित हो जाता है। कभी कभी ये विनाशकारी बन जाती हैं। ठीक है, कार्य के अतिरिक्त तटीय स्थल रूप अन्य कारकों पर भी, जैसे स्थल और समुद्र तल की बनावट, ये भी निर्भर करता है ना। समुद्र उन्मुख उन्मग्न तट या जलमग्न तट, तट जो है ना जलमग्न है या जल के ऊपर है। समुद्री जल स्तर को स्थिर और स्थायी मानते हुए स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए इसमें तीन भागों में वर्गीकृत, दो भागों में वर्गीकृत कर लेते हैं। ऊंचे चट्टानी तट जलमग्न तट होते हैं, निम्न समतल या मंद ढाल के अवसादी तट उन्मग्न तट होते हैं। अब इन्हीं को क्या कह रहा है, क्लिप करा गया, ये कोई मतलब का नहीं है। निक्षेपित स्थल रूप कुलीन या टिब्बे, ये भी पूछे जा सकते हैं। हमारे देश के पश्चिमी तट ऊंची चट्टानी निवर्तन का तट है।
पश्चिमी तट पर अपर्दित आकृतियां बहुतायत में है जो अपर्दन के द्वारा बनी है। भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट हैं, ठीक है। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। तटों की उत्पत्ति और प्रकृति को जानने के लिए आप भारत के भौतिक पर्यावरण पुस्तक अभी अगली किस्त में पढ़ेंगे तो पता लगेगा। अपर्दित स्वरूप भृगु वेदिका कंदराएं और स्टैक ये पढ़ चुके हूँ अपर्दन वाले चैप्टर में। इसके बाद रुदिका वगैरह भी पढ़ूँ, ये भी मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिखता। क्या आप जानते हैं समुद्र के अपतट पर बनी रुदिकाएं तूफान सुनामी लहरों के आक्रमण से के समय सबसे पहले बचाव करते हैं? दोनों ही बिल्कुल करेंगे, पवने अपर्दनात्मक स्थल रूप, ठीक है। अपवाहगर्त छत्रक बालू टिब्बे, हाँ छत्रक अपवाहगर्त क्या होता है? पवने एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्षय जनित पदार्थ असंगठित मिट्टी अपवाहन होता है, ये क्या कहलाते हैं? जिन्हें अपवाहन गर्त हम बोलते हैं। वातगर्त या गुहा और विस्तृत हो जाते हैं जिन्हें गुहा कहता है। वातगर्त जब बहुत ज्यादा गहरे होते चले जाते हैं। छत्रक टेबल या पीठिका, मरुस्थलों के अधिकतर चट्टाने क्या हैं? अलग अलग प्रकार की हैं, है ना, कुछ टिब्बे के रूप में, कुछ छत्रक के रूप में, कुछ टंगी हुई हैं सब। निक्षेपित स्थल रूप, ये भी बालू टिब्बे। ऊष्ण शुष्क मरुस्थल बालू टिब्बों के निर्माण के लिए क्या है? हवाएं चलती हैं, टिब्बों का निर्माण होता है। इन्हें चंद्रकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवन की दिशा से निकली होती हैं इनके बरखान कहते हैं। जहां रेतीली भूतल पर आंशिक रूप से वनस्पति पाई जाती है उन्हें परवलयिक बालू टिब्बों का निर्माण होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? और ये कुछ आकृतियां हैं बरखान वगैरह, देख लेना समझ में आए तो ठीक, नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। स्थल रूप के विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? अधोमुख कटाव प्रथम नहीं, करुणावस्था प्रथम करुणावस्था करुणावस्था में होता है। योगाकार की ये गहरी घाटी जैसे विशेष सीढ़ी नुमा ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? कैनियन नहीं होगा, गार्ड नहीं होगा, योगाकार की घाटी ये नहीं होगा, कैनियन होगा। रासायनिक अपचय प्रक्रिया यांत्रिक अपचय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक होती है शुष्क प्रदेश चूना पत्थर प्रदेश में। लेपीज को कौन परिभाषित करता है? उथले गर्त हैं, आकार के होते हैं, धरातल से जल टपकने से बनते हैं, है ना, तीखे घटक और खांच होते हैं, धरातल के जल टपकने से बनते हैं ये। तो ये सारा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना? तो एक बार पढ़ लेना, एक आधा क्वेश्चन मान लिया पूछ दिया तो काम हो जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, ये छोटी क्लास है, तब तक के लिए नमस्कार, कल मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।